हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक फैन रिपोर्ट्स अतुल्य। दोस्तों आज हम बात करेंगे आज के दिन यानी 9 मई को इतिहास में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घट चुकी हैं और क्या कहता है आज का दिन इतिहास के पन्नों में, चलिए जानते हैं। दोस्तों आज के दिन 9 मई सन 1540 ईस्वी को वीरों के वीर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था और महाराणा प्रताप का नाम इतिहास के पन्नों में उनकी वीरता, साहस और पराक्रम के लिए शामिल है। महाराणा प्रताप ने कई मुगलों को हराया है। महाराणा प्रताप ने पूरे हिंदुस्तान के मुगल को अकेले ही उनके घुटनों पर ला दिया था। अकबर ने कई बार महाराणा प्रताप को अपने अधीन लेने की कोशिश की लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। दोस्तों उन्हीं की तरह उनका घोड़ा चेतक भी बहुत साहसी था। हल्दी घाटे के युद्ध में चेतक ने अपने साहस और पराक्रम का परिचय देते हुए पूरी तरह से घायल होने के बावजूद महाराणा प्रताप को रणभूमि से निकाल लाया था, इसीलिए चेतक की कहानी भी इतिहास के पन्नों में वर्णित है। महाराणा प्रताप की मृत्यु उनकी राजधानी चावंड में धनुष की डोर खींचने से हाथ में लगने के कारण हुई थी। यह खबर जब अकबर को पता चली तो हुआ भी बहुत दुखी हुआ क्योंकि अकबर भी महाराणा प्रताप के पराक्रम का घायल था। दोस्तों आज के दिन 9 मई 1653 ईस्वी को विश्व विख्यात इमारत ताजमहल का निर्माण 22 वर्षों के निरंतर परिश्रम के बाद पूरा हुआ था। ताजमहल भारत के शहर आगरा में यमुना नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है जिसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की मृत्यु के बाद उनकी याद में बनवाया था। तो दोस्तों क्या आपको आज के दिन की इतिहास की यह जानकारी थी या नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।